हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज़ योर टीचर पूजा सहानी विथ योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज, एंड वी हैव कम ऑन चैप्टर नंबर 15। एंड द चैप्टर नंबर 15 इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सो क्या होता है ये अग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब का, चलिए देखते हैं। यस, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस is who or what a sentence is about. So क्या होता है subject sentence में, जिसके बारे में वो sentence होता है, right? The verb is the action in the sentence, और sentence में verb किस चीज़ का काम करती है, action का, right? The subject and verb must work together to agree. Agree होने के लिए subject और verb को एक साथ काम करना चाहिए। जैसे कि अगर noun singular है, अगर नाउन एक है, सो आपको वर्ब में एस ऐड करना है, राइट? द गर्ल जंप्स रोप एट रिसेस। सो गर्ल जंप्स, सो गर्ल सिंगुलर है तो हमने जंप नहीं लिखा, हम लिखेंगे एस। सो बच्चों, ये आपके याद रखने वाली बातें हैं कि अगर नाउन सिंगुलर है तो आपको वर्ब में एस ऐड करना है। अगर नाउन प्लूरल है सो आपको वर्ब में एस ऐड नहीं करना है। जैसे द गर्ल्स जंप रोप एट रिसेस। ओके, सो आपको ये याद रखना है। नाउ वी हैव इंटरप्रिटेशन बॉक्स हेयर, लेट्स रीड इट। आई एंड यू आर बोथ सिंगुलर सब्जेक्ट, दोनों सिंगुलर होते हैं लेकिन फिर भी हम इनमें एस ऐड नहीं करते हैं। ओके, सो आपको ये रूल भी बच्चों याद रखना है। सो नाउ स्टडी दिस टेबल केयरफुली, आपको इसे केयरफुली स्टडी करना है बच्चों। यहाँ पर आपको दिए हुए हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल। सो फर्स्ट पर्सन, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ। नाउ प्लूरल में आके हो जाएगा वी आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड। वी वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। यहाँ पर सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन आई है और यहाँ प्लूरल में फर्स्ट पर्सन वी हो जाता है। सेकेंड पर्सन हमेशा सिंगुलर में भी यू रहेगा और प्लूरल में भी यू रहेगा। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ, यू आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर। ओके, यू हम सिंगुलर के लिए भी यूज करेंगे और प्लूरल के लिए भी यूज करेंगे। यहाँ स्टूडेंट है, यहाँ स्टूडेंट्स हो जाएगा। ओके, You were a student of class third. You were students of class third. Now the third person होता है he, she. Okay? और plural में आके वो हो जाता है they. क्योंकि हम किसी और की बात कर रहे हैं, third person की. He, she is a student of class fourth. He, she was a student of class third. They are students of class fourth. They were students of class third. Okay? So the verb be changes. Verb be मतलब is, are, am, was, were with the person and number of the pronoun. Okay? इनके साथ जो ये verbs हैं ये change होती हैं. Thus we see that the verb must always agree with subject. Okay? कैसे, अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो is आ गया, हम दो की बात कर रहे हैं तो आर आ गया। इसका मतलब हमेशा वर्ब और सब्जेक्ट में कुछ कनेक्शन रहता है, राइट? वर्ब चेंज हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ थिंग्स के अकॉर्डिंग, राइट? सो ये होता है इनका अग्रीमेंट, चाहे जो नाउन हो सब्जेक्ट या प्रोनाउन हो, वर्ब के साथ उसका अग्रीमेंट होना ही चाहिए। ये होता है बच्चों सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। ओके, ये बहुत वास्ट टॉपिक है जिसके बारे में आप आगे बड़ी क्लास में जाके और ज्यादा जानोगे, राइट? सो चलिए ए एक्सरसाइज करते हैं। रीड द सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब। द डॉग, अब डॉग एक है, सिंगुलर की बात हो रही है तो हम वर्ब पे क्या लगाएंगे, एस। यस, आपको याद रखना है। सो यहां पर द डॉग ग्राउल्स ऑन द स्वीपर, राइट? नाउ द सेकेंड वन, द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब प्लूरल, प्लूरल है नाउन, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है हमारा। द चिल्ड्रन डैश ऑन द टेरेस, तो आएगा प्ले,
क्योंकि हम प्लूरल में एस ऐड नहीं करेंगे. राइट, द मदर डैश टू ऑफिस एट 7 AM. मदर सिंगुलर की बात हो रही है, सो वी विल राइट हियर गोज. ओके, ही सिंगुलर की बात है, ही डैश फुट स्टेप्स ऑन द स्टेयर्स हियर्स. मोना डैश अ केक यस्टरडे. यस्टरडे, अब कल की बात हो रही है तो कल के लिए हम बेक्स नहीं लगाएंगे बिकॉज ये हमेशा प्रेजेंट में होता है. हम लगाएंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मोना बेक्ड. ओके, द मंकी डैश फ्रॉम ट्री टू ट्री. मंकी, एक मंकी है स्विंग्स. द पाइप्स, बहुत सारी पाइप्स हैं. डैश टू बी रिपेयर्ड बिफोर समर. नीट, सिंपल जो है वर्ब वही लिखेंगे, एस ऐड नहीं करेंगे. द हॉर्न्स ऑफ द ट्रक डैश ड्यूरिंग रश आर. द हॉर्न्स ऑन द ट्रक बीप. पंकज सिंगुलर सब्जेक्ट, पंकज डैश टू टेक वेकेशन वॉन्ट्स. द शेफर्ड बॉय सिंगुलर डैश अबाउट द वुल्फ लाइज. ओके, सो आपको समझ आया बच्चों, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है और बात प्रेजेंट की हो रही है तो हम उसमें एस ऐड करेंगे, अदरवाइज प्लूरल में हम एस ऐड नहीं करेंगे. और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और बात पास्ट की हो रही है तब हम उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म को ऐड करेंगे. नाउ आपको ये याद रखना है, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जॉइन होते हैं, ओके, दो सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे राम एंड श्याम, तो उनमें प्लूरल वर्ब आती है. ओके, जैसे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, सो हम आर कहेंगे, हैं अलग अलग राम एंड श्याम, लेकिन वो कैसे जॉइन हो रहे हैं, एंड के थ्रू अगर जॉइन हो रहे हैं. आपको ये चीज़ें याद रखनी है बच्चों, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय और, हमें चॉइस दी जाती है, द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड नियर द वर्ब. तो हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, जो हम उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चूज करते हैं जो वर्ब के पास हो. जैसे अब अगर हम ये कहें कि बॉय और गर्ल्स, बॉय और गर्ल्स, सो अब हमें वर्ब कैसे अग्री करनी है, कौन सी आ गया यहाँ पर वर्ब के पास, कौन सा सब्जेक्ट है, गर्ल्स, सो हम अब गर्ल्स के अकॉर्डिंग वर्ब करेंगे. गर्ल्स इज प्लूरल, बॉयज एंड गर्ल्स प्ले टुगेदर. ओके, सो यहाँ पर सिर्फ प्ले आएगा, प्लेज नहीं आएगा. राइट, तो अगर दो सब्जेक्ट जॉइन हो रहे हों और से, तो वर्ब हमें कैसे लिखनी है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से लिखनी है जो वर्ब के पास है. राइट, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद ईदर और नीदर नॉर, द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड नियर द वर्ब. तब भी वर्ब उसी सब्जेक्ट से अग्री करेगी जो वर्ब के पास होगा. ओके, कलेक्टिव नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब्स, हमेशा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब में ही लिखी जाती है. बोथ अ फ्यू सेवरल एंड मैनी, ये जो वर्ड्स होते हैं ये प्लूरल वर्ब लेते हैं. बोथ अ फ्यू सेवरल मैनी, एग्जाम्पल बोथ आर एब्सेंट. ओके, सो आपको बच्चों ये चीज़ें याद रखनी हैं. नाउ दिस इज प्रोवोकेशन एक्सरसाइज फॉर यू, कंप्लीट द टेक्स्ट अबाउट मिनी with the correct form of verb in brackets. Minnie just moved to a new neighborhood in her city. Everyone in neighborhood dash friendly. Everyone in the neighborhood is friendly. But she dash anyone. She does not know. She does not know anyone. Okay? So, she dash from Dehradun. She is from Dehradun. And she dash a dog. She
has a dog, because singular के साथ हमेशा has आता है. She and her mother dash in a house. She and her mother. So end आ गया, दो subject हैं, end से हो रहा है, so क्या आ जाएगा? Live. Lives नहीं आएगा. She dash, she and her mother live in a house. They dash Chinese food and comedy movie. They love Chinese food and comedy movies. Okay. She and her mother speak both Hindi and English. She dash cold weather. She likes cold weather. When the weather is sunny and warm, मिनी प्लेज टेनिस. प्लेज क्यों लगाया बच्चों मैंने यहाँ पे? बिकॉज ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में हमेशा हम क्या ऐड करते हैं? एस ऐड करते हैं. सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल की है, राइट? सो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे राइट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर फिल की है. सो बच्चों अगर आप अपनी इंग्लिश को बोलेंगे, राइट, और मेरे साथ साथ इन एक्सरसाइज को फिल करेंगे, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. आपको समझ आएगा कि आपको क्या चीज़ें लर्न रखनी है जिससे आप राइट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल कर पाएँ. सो आई होप दैट दिस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपको समझ आ गया होगा. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कौन सी वर्ब आनी है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे या मेन वर्ब का यूज़ करेंगे. अगर हम इन कुछ पॉइंट्स को लर्न रखेंगे सो वी कैन डेफिनेटली यूज़ राइट फॉर्म ऑफ वर्ब एट राइट प्लेस. Okay, so children, we have a new composition topic, narrative writing from your book, Grammar Glitter Odyssey by Brain Root series. अब क्या होता है बच्चों नरेटिव राइटिंग? नरेटिव राइटिंग एक स्टाइल होता है दैट अलाउज द राइटर टू टेल अ स्टोरी, जिससे राइटर हमें एक स्टोरी बता पाता है, राइट? सो उसमें की पॉइंट्स क्या होते हैं? प्लॉट, कैरेक्टर्स, पॉइंट ऑफ व्यू, सेटिंग, थीम एंड स्टाइल. ओके, सो नैरेटिव राइटिंग के लिए बस हमें एक आउटलाइन दी जाती है और फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टोरी बनाते जाते हैं, राइट? सो एग्जाम्पल ऑफ नैरेटिव राइटिंग्स आर आउटलाइन, बिगनिंग ऑफ द क्रिसमस डे इन गोवा, ग्रैंडमदर, मदर, फादर, स्नेहा, प्ले टुगेदर, डॉल्स, सॉक्स, पिंग पोंग एटसेट्रा, सिंग कैरल्स, फेवरेट कैरल्स, वॉच क्रिसमस मूवीज ऑन काउच, ऑलवेज एक्साइटेड. सो यहाँ पर बच्चों ये हमें कुछ क्लूज दिए गए हैं, अब इनके बेसिस पे हमें स्टोरी बनानी है, राइट? सो यहाँ पर मैं आपको इन क्लूज के अकॉर्डिंग जो स्टोरी है वो पढ़ के सुना रही हूँ. माई फेवरेट क्रिसमस डे मेमरीज, मेरी फेवरेट क्रिसमस डे की मेमरीज. एवरी क्रिसमस डे मदर, फादर, स्नेहा एंड आई ऑल गो टू माई ग्रैंड मदर्स हाउस एट गोवा. टू बिगिन द डे मदर, फादर, ग्रैंड मदर, स्नेहा एंड आई ऑलवेज प्ले विद आर न्यू टॉयज एंड गेम्स टुगेदर. हम सब एक साथ अपने न्यू टॉयज और गेम्स के साथ खेलते हैं. आई ड्रेस माई डॉल्स इन रफल्ड फ्लारी ड्रेसेस एंड सॉक्स विद लेस. मैं अपनी जो डॉल है उसे कैसे ड्रेसअप करती हूँ? रफल्ड फ्लारी ड्रेस और सॉक्स विद लेस के साथ. व्हेन एवरीवन हैज़ प्लेड विद देयर ओन टॉयज, ऑल ऑफ अस प्ले पिंग पोंग इन द बेसमेंट विद पेडल्स विद वुडन हैंडल्स. लेटर इन द डे वी सिंग क्रिसमस कैरल्स, वी सिट इन द लिविंग रूम ऑन द कॉम्फी काउच नेक्स्ट टू द स्पार्कलिंग ट्री. While Sneha plays the piano, we sing carols. My favorite carols are Rudolph the Red-Nosed Reindeer and Up on the House Top. So, यहाँ पर जो राइटर अपनी स्टोरी बता रहा है वो उन क्लूज की हेल्प से आप उस स्टोरी को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो. वो आपकी अपनी इमेजिनेशन है, राइट? अब यहाँ पर राइटर ने बताया अपने फेवरेट कैरल्स के बारे में, राइट, अपनी ड्रेस के बारे में, डॉल की ड्रेस के बारे में.
So at the end, everyone watches Christmas movies. We put on our tasty red pajama and cuddle up on the couch to watch A Christmas Story and the Maples Christmas Carol until it is time to bed. Just thinking about Christmas Day makes me so excited that I cannot sleep. So, kuch hints se writer ne ye story likhi. Aap bhi apni imagination se kuch bhi story bana sakte hain with the help of these outlines. Okay? So, now develop these outlines into stories. Ye aapko maine yahan par do hints diye hue hain. Do stories ke hints hain aapke paas. और आपको इनसे स्टोरीज बनानी है और आपको सुटेबल हेडिंग भी देना है अपनी स्टोरी को, राइट? सो आउटलाइन नंबर वन इज आई वेंट टू रेस्टोरेंट डेकोरेटेड लाइक हवाई सेवरल डिशेस ह्यूज हवाइन बफे शो परफॉर्मेंसेस अ ग्रेट टाइम ऑन मॉम्स बर्थडे. ओके, नाउ द सेकेंड वन वेंट टू माई फ्रेंड्स ओल्ड हाउस डर्टी बेसमेंट डिगिंग इन डर्ट फाउंड ओल्ड लैम्प Cleaning the dirt of a genie appeared. Three wishes started asking one by one. At last the dream was over. So, सबसे पहले आपको अपनी स्टोरी के लिए क्या देना है बच्चों? एक सूटेबल हेडिंग देना है और उसके बाद आपको नरेटिव राइटिंग करनी है. नरेटिव मतलब आपको यहाँ पर दिए हुए हैं हिंट्स. उसके बाद आपको अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग एक स्टोरी बिल्ड करनी है, राइट? सो आई होप दैट नाउ दिस टॉपिक नरेटिव राइटिंग इज क्लियर टू यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.